डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3। जो एक्सरसाइज 2.3 है बच्चों, वो किस टॉपिक पर बेस है। टॉपिक आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिए गए थे कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड टाइप की इक्वेशंस दे रखी होती हैं, उनको आपको बेसल इक्वेशन में बदल कर उनको सॉल्यूशन लिखना होता है। उनका हमें क्या लिखना होता है बच्चों, सॉल्यूशन राइट करना है। ओके, आपने पढ़ा है कि पीछे वाले आर्टिकल में कि आपके पास अगर इक्वेशन किस टाइप की है कि एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी इज इक्वल टू के एक्स सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आपने एक सेकेंड टाइप पढ़ी थी, वो इक्वेशन किस टाइप की है, एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में वन माइनस टू अल्फ़ा डी वाई बाई डी एक्स है। क्लियर, यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या था बच्चों, एक्स था, और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म है वन माइनस में टू अल्फ़ा, और प्लस में साथ में क्या हो बच्चों, के स्क्र एक्स वाई। अगर इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सोल्व करने के लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, वाई इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा पुट करना होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। ओके, एक थर्ड टाइप है, उसमें किस टाइप की इक्वेशन होती है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस में के स्क्वेयर एक्स टू दी पावर आर वाई। अगर इस टाइप की इक्वेशन है, मतलब डबल डेरिवेटिव के साथ तो आपके पास एक्स हो, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ आपके पास क्या है, सी है, और वाई के साथ क्या है, के टू दी पावर आर एक्स टू दी पावर आर हो, तो इस टाइप की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों, आपको पुट करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू टी टू दी पावर m। पुट क्या करना पड़ेगा x को t की पावर m से। ओके स्टूडेंट्स, और एक आपके पास फोर्थ टाइप है, अगर आपके पास इक्वेशन इस टाइप की है, एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू अल्फा इंटू में x प्लस बीटा स्क्वेयर गामा स्क्वेयर एक्स टू दी पावर टू गामा प्लस अल्फा स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर गामा स्क्वेयर वाई। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में बदलने के लिए आप रिप्लेस करेंगे कैपिटल एक्स को बीटा एक्स टू दी पावर गामा से, कैपिटल वाई को एक्स टू दी पावर माइनस अल्फा इंटू में वाई वाई से। जब ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये इक्वेशन बदल कर इस फॉर्म में आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ टाइप्स थी, ये जो टाइप है ये आपने इससे पहले वाले लेक्चर में डिटेल में इनके बारे में क्या किया है बच्चों, आपने स्टडी किया है। ओके, तो इस टॉपिक पर बेस हम आज एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर वन हेयर। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर वन है, देखिए इसमें क्या है कि सोल्व द फ्लोइंग इक्वेशन इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन। आपके पास कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशंस हैं, उनको सोल्व करना है, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन है वो किसकी फॉर्म में निकालना है, बेसल फंक्शन की फॉर्म में निकालना है। ओके, अब आपके पास ये इक्वेशन दी है बच्चों, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस हाफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो है। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना है इन टर्म ऑफ बेसल फंक्शन। ओके, ये आपके पास गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो किस इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्र डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस वन माइनस टू अल्फा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्र एक्स वाई के साथ आपने कंपेयर किया, तो आपने देखा कि वन माइनस टू अल्फ़ा किसका कोफिशेंट है, डी वाई बाई डी एक्स का, और डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशेंट क्या है बच्चों, टू। तो 1-2 अल्फ़ा आपका किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1/2। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये जो टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन है ये, एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस 1-2 अल्फ़ा डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वेयर एक्स वाई। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है बच्चों, y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा, y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा, और यहाँ पर अल्फ़ा का काम किसने किया बच्चों,
वन बाई टू ने। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो आपने ये पुट किया, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू चेक कीजिए बच्चों एक बार, माइनस टू अल्फ़ा इज इक्वल टू टू माइनस वन, माइनस वन की बजाय क्या आएगा यहाँ पे बच्चों, प्लस वन आएगा, क्या आएगा प्लस वन, तो अल्फ़ा की वैल्यू वन बाई टू की बजाय अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है बच्चों, माइनस वन बाई टू है। ओके, अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, वाई इज इक्वल टू यू एक्स टू द पावर अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा यू एक्स टू द पावर माइनस में वन बाई टू। ओके, जब आप वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस वाई का यूज़ करके हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन यू को तो आपने सेम रख दिया और एक्स की पावर माइनस वन बाई टू का डेरिवेटिव ले लिया, पावर आगे पावर में से एक कम कर दिया, फिर आपने x की पावर माइनस वन बाई टू को सेम कर दिया और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, du यू बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर, अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर आपने क्या किया u को तो फर्स्ट फंक्शन मान लिया और ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस वन बाई टू तो पहले है, पावर माइनस थ्री बाई टू आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में जो टर्म है वो सेम आ जाएगी और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो du यू बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों, क्लियर, ओके। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इस टर्म का जो डेरिवेटिव है x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल, दो टर्म में है x की पावर माइनस वन बाई टू सेम, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव सेकेंड टर्म सेम और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव। ओके, यहाँ तक समझ में आया, y को आप एज्यूम करेंगे यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा, इस y का यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, अब ये y dy वाई बाई डी एक्स और डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन के अंदर बच्चों क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, ओके, तो इक्वेशंस क्या थी आपके पास, x था, x के साथ क्या बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, प्लस में टू था और टू के साथ क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, फिर आपके पास क्या है बच्चों, के स्क्वेयर एक्स वाई, क्या है आपके पास बच्चों, के स्क्वेयर एक्स वाई, तो के स्क्वेयर का काम कौन कर रहा है आपके पास, वन बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, तो वन बाई टू एक्स इंटू में वाई और वाई की जगह क्या रख दिया हमने, यू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, putting the value of dy by dx and double derivative in the equation number 1. Equation number 1 में put कर दिया, अब ये जो x था इस x के अंदर multiply कर दिया आपने, multiply करने पर first term ये आ जाएगी, second term ये आ जाती है, third term ये आ जाती है x से multiply करने पर। ओके, अब ये जो bracket में term है इनके multiply किससे कर देते हैं, 2 से, 2 से multiply करने पर ये दो term ये आ जाती हैं और last term को आपने x की power को adjust किया, ये x की power 1 है और ये x की पावर 1 है और ये x की पावर माइनस वन बाई टू है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, वन बाई टू। क्लियर है, आपको क्या करना था, एक इक्वेशन दे रखी है, पहले तो आपको ये पहचान करना है कि इस इक्वेशन को किस मेथड से, जो आपने तीन या चार तरह की इक्वेशंस पढ़ी है किससे सोल्व किया जा सकता है, आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है वो इस टाइप की इक्वेशन का है, इस टाइप की इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली और अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने पर वाई का यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन के अंदर क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, पुट करने के बाद इसको थोड़ा बहुत क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ओके ओके, अब वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्मों को अलग कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म को अलग कर लेते हैं और बाकी जो टर्म है उनको अलग लिख लेते हैं, ये आपके पास एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है इसको अलग कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एक तो आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, बाकी टर्मों को अलग से लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आपने देखा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ क्या बच्चों, एक्स की पावर वन बाई टू डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वेयर। ओके, तो ये आपके पास टर्म आ जाती है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ
और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ टर्म क्या है आपके पास बच्चों? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ एक तो माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू है और एक टू है, तो टू में से माइनस वन करेंगे तो वन आ जाएगा, तो वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी यू बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने टर्म लिख दी। ओके, ये आपके पास किसके साथ आ जाती है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ। बाकी जो टर्में बची हुई थी उनको आपने लिख दिया। एक टर्म थी 3/4 यू एक्स की पावर माइनस 3/2, एक टर्म है माइनस यू एक्स की पावर माइनस 3/2 और एक टर्म है 1/2 यू एक्स की पावर 1/2 इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब इस टाइप की जब क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ तक आने के बाद फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद, आपको उस टर्म को डिवाइड करना होता है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। किससे डिवाइड करेंगे? एक्स की पावर अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे हमेशा, तो ठीक है। बट अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है बच्चों? इस क्वेश्चन में माइनस वन बाई टू, तो इस इक्वेशन को हम बच्चों एक्स की पावर माइनस वन बाई टू से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन को बच्चों एक्स की पावर माइनस वन बाई टू से डिवाइड करेंगे, तो x की पावर 1/2 को जब आप x की पावर माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। क्लियर है ना? ओके स्टूडेंट्स, जब x की पावर माइनस 1/2 को x की माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा क्या? du बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, ओके। जब आप x की पावर माइनस 3/2 को माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर माइनस 1 बच जाएगी, तो ये बचेगा 3/4 यू एक्स की पावर माइनस 1। इसको भी जब x की पावर माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो x की पावर माइनस 1 बचेगी, तो ये आ जाएगा आपके पास u x की पावर माइनस 1। और जब आप इसको x की पावर माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो टोटल पावर x की 1 बन जाएगी, 1/2 टाइम्स ऑफ यू एक्स। क्लियर है? तो ये इक्वेशन बन गया आपके पास x डी टू यू बाई डी एक्स प्लस में डी यू बाई डी एक्स। इस टर्म को आपने लिखा, बच्चों 3/4 यू बाई एक्स, तो यू को तो आपने क्या लिखा बच्चों? कॉमन। यू इस टर्म में भी है, यू इस टर्म में भी है और यू इस टर्म में भी है, यू को तो बाहर कॉमन लिखा, तो टर्म बच गया आपके पास 3/4 एक्स, यहाँ बचा 1/x और एक टर्म बचती है 1/2 टाइम्स ऑफ एक्स। ओके, इन दोनों टर्मों का एलसीएम लेके सोल्व किया तो वो बनता है माइनस 1/4x, वो यहाँ पर लिख दिया और जो x बाई टू था उसको आगे लिख दिया। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन की x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? x से, मल्टीप्लाइंग बाई x ऑन बोथ साइड। जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ एक्स डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। जब इसकी x से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा, जब इसकी x से करेंगे तो नीचे वाला x कट जाएगा 1/4। ओके, अब आपके पास बच्चों बेसल इक्वेशन, आपके पास अब इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन थी वो बदलकर इस रूप में आ गई। अभी भी ये बेसल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। बेसल इक्वेशन की फॉर्म में आने के लिए यहाँ पर हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है बच्चों? अकेले एक्स स्क्वेयर की ज़रूरत है। बट यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ क्या आया हुआ है बच्चों? टू आया हुआ है। अब हमें इस टू को हटाना है और इस टू को हटाने के लिए हम एक्स को एज्यूम कर लेते हैं रूट टू टी। ठीक है, आप क्या मान लेते हैं? एक्स इज इक्वल टू, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे बच्चों? x इज इक्वल टू रूट टू टी लिख देंगे। क्लियर है? जब आप x का स्क्वेयर करेंगे तो x का स्क्वेयर करेंगे तो रूट टू का स्क्वेयर क्या आएगा बच्चों? टू टी स्क्वेयर, और नीचे जो टू है वो इस टू को क्या कर देगा बच्चों? कट कर देगा। ये माइंड में आपको आइडिया लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे वाले टू को ख़त्म करने के लिए आप क्या रखें कि वो टू कैंसिल हो जाए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया बच्चों? x इज इक्वल टू रूट टू टी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो x इज इक्वल टू रूट टू टी, तो t किसके इक्वल हो जाएगा? x बाई टू के। और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dt टी बाई डी एक्स आ जाएगा 1/√2। अब आप निकाल लेते हैं बच्चों du बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स को आप लिख सकते हैं बच्चों du बाई डी टी इंटू में dt टी बाई डी एक्स। ओके, और dt टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है 1/√2। ये आपने पुट कर दिया 1/√2 और यह साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? du बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब इस फर्स्ट du बाई डी एक्स का यूज़ करके हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वेयर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ du बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स। और du बाई डी एक्स किसके इक्वल है बच्चों? 1/√2 du बाई डी टी। 1/√2 तो कॉन्स्टेंट टर्म है,
तो अब आपको क्या निकालना है, डी यू बाई डी टी का डेरिवेटिव। अब हमें क्या निकालना है, डी यू बाई डी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी टी और डी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई यूजिंग द चेन रूल। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है, ये 1/√2 सेम आया। जब इसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये बन जाएगा डी टी डी टू यू बाई डी टी स्क्वेयर, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आपको पता है वो क्या है, 1/√2। क्लियर है, ओके। तो 1/√2 की 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर दो, du बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो, डबल डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, और x की वैल्यू आपको पता है कि x किसके इक्वल है आपका बच्चों, √2 इंटू में टी के इक्वल है। ओके, तो जब आप x का स्क्वेयर करेंगे, ओके, जब x की स्क्वेयर, x की वैल्यू पुट कर दी √2t का स्क्वेयर, साथ में वैल्यू किसकी पुट करनी है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव है 1/2 डी टू यू बाई डी टी स्क्वेयर, 1/2 डी टू यू बाई, सॉरी ये वाली 1/2 डी टू यू बाई डी टी स्क्वेयर। ओके, फिर आपके पास क्या है बच्चों, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, √2t, और साथ में किसकी वैल्यू पुट करनी है, डी यू बाई डी एक्स की, और डी ओ बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/√2 डी यू बाई डी टी, 1/√2 डी यू बाई डी टी, प्लस में फिर एक्स का स्क्वेयर है, एक्स का वैल्यू क्या है, √2t का स्क्वेयर बाई टू, फिर माइनस में 1/4 इंटू में यू इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, ओके। अब जो टर्म में कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दो। अब आप √2t का स्क्वेयर करेंगे तो 2t स्क्वेयर आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वेयर डी टू यू बाई डी टी स्क्वेयर, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा टी डी यू बाई डी टी। ओके, यहाँ से भी क्या आएगा, 2t स्क्वेयर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा टी स्क्वेयर, और टी स्क्वेयर 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/2 का होल स्क्वेयर। ओके, अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है बच्चों, ये जो इक्वेशन है दैट इज़ द बेसल इक्वेशन, ये क्लियरली बेसल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एन स्क्वेयर, तो एन का काम किसने किया, 1/2, तो क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। ओके, क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1/2। 1/2 इंटीजर है या नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर है, तो नॉन इंटीजर के केस में बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, u इज इक्वल टू c1j 1/2 t प्लस में c2j 1/2 t। यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो आपके पास u की फॉर्म में सॉल्यूशन निकला है, u इज इक्वल टू c1j 1/2 t प्लस c2j 1/2 t। बट u किसके इक्वल रखा था आपने बच्चों, आपने रखा क्या था बच्चों, हमने रखा था कि y इज इक्वल टू ux^-α, मतलब माइनस में 1/2। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, u इज इक्वल टू y, यहाँ से आप y की u की वैल्यू निकालेंगे, u किसके इक्वल हो जाएगा, y/(x^-1/2। क्लियर है, x/-1/2 ये वैल्यू किसकी आ जाती है, u की। तो यहाँ पर आप u की वैल्यू को पुट कर देंगे कि u इज इक्वल टू y/(x^-1/2 इज इक्वल टू, अब आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास क्या, एक तो c1 है, हमारे पास क्या, एक तो c1 है, j है, j के साथ क्या है 1/2, बट ब्रैकेट में क्या है बच्चों, t है, लेकिन t को क्या माना आपने, t को माना x/√t, तो t को रिप्लेस कर देंगे आप x/√2 से। ओके, ओके स्टूडेंट्स, प्लस में फिर आपके पास क्या है, c2 है, c2 के साथ है j, फिर माइनस में 1/2 है, और t है, t को किससे रिप्लेस कर देंगे, x/√2 से। क्लियर है, तो अब आपके पास सॉल्यूशन क्या आ जाता है, y/(x^-1/2) और c1j 1/2, टी को रिप्लेस कर दिया था आपने x/√2 से, और c2j 1/2, फिर टी को आपने रिप्लेस कर दिया था बच्चों x/(1/2) से। क्लियर है स्टूडेंट्स।
ओके, इसमें आपको क्या रिप्लेसमेंट करनी हो रहती है वो आप करके देख लेना। यू को रिप्लेस कर देना वाई बाय, यू को रिप्लेस कर देना वाई बाय एक्स की पावर माइनस में 1/2 से, और इस सॉल्यूशन में जो टी है टी को रिप्लेस कर देना एक्स बाय √2 से, वो आपके पास गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर सेकंड। हेयर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, गिवन इक्वेशन एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो अब हमें इस इक्वेशन का क्या करना है बच्चों, सॉल्यूशन निकालना है। और ये जो इक्वेशन है इस टाइप की इक्वेशन है, तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू टी की पावर एम मानते हैं। ओके, अगर एक्स टी की पावर एम के इक्वल है तो बच्चों टी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स की पावर 1/m। ओके, अब इस टी का यूज करते हुए हम वैल्यू निकालते हैं डी टी बाई डी एक्स, जैसे कि आपने आर्टिकल में समझा था, ठीक है ना। अगर टी अगर एक्स की पावर 1/m है तो इसका यूज करके हम क्या निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स, वो क्या आ जाएगा बच्चों, 1/m एक्स की पावर 1/m आ जाएगा, एक्स की पावर 1/m माइनस में 1, इसको आप लिख सकते हैं 1/m एक्स की पावर 1 माइनस m बाय m। ओके, इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/m है और x की पावर 1/m को आपने ब्रैकेट में कर दिया और इसकी पावर क्या लिख दी, 1 माइनस m। क्लियर है, इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1/m x की पावर 1/m और पूरे की पावर 1 माइनस में m। बट x की पावर 1/m, बट x की पावर 1/m तो खुद किसके इक्वल है, वो क्या है, किसके इक्वल है बच्चों, t के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, t। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप थोड़ा याद रखना है, कैसे इसको हमें समझना है, कैसे करना है। सेम प्रोसेस आपको आर्टिकल में भी समझाया था। ओके, तो जब आप x t की पावर m है तो t आपके पास x की पावर 1/m होगा, और dt टी बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, 1/m t की पावर 1 माइनस में m। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। इस डी टी बाई डी एक्स का यूज़ करके, डी टी बाई डी एक्स का यूज़ करके हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, और एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर निकालना है। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स निकलेगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स को डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी को तो हम सेम रखते हैं, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, 1/m टी की पावर 1 माइनस m। क्लियर है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा आपके पास, डी बाई डी एक्स बनेगा, और यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, अब आपने क्या किया, ये जो कॉन्स्टेंट टर्म थी 1/m, इसको तो बिल्कुल बाहर रख लिया आपने। ओके, 1/m को बिल्कुल बाहर रख दिया। अब आपके पास क्या है, t की पावर 1 माइनस m है, और एक dy बाई डी टी है। इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बाय यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। आपने क्या किया, t की पावर 1 माइनस m को बाहर फर्स्ट फंक्शन माना, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट फंक्शन का क्या कर दिया बच्चों, हमने डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सेम प्रोसेस आपको आर्टिकल में समझाया था, आप डेरिवेटिव करके देख लेना इसका। तो आपने क्या किया, 1/m ये टर्म सेम, t की पावर 1/m सेम। बताइए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स बाई यूजिंग द चेन रूल। ओके, ये यहाँ तक ये सारी टर्में आपने सेम रखी, और यहाँ पर वैल्यू किसकी पुट कर दी बच्चों, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आपने क्या किया, ये 1/m सेम, टी की पावर 1/m सेम, ये जो टर्म है डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी, ये क्या बन जाएगा, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। ओके, और डी टी बाई डी एक्स खुद किसके इक्वल है, 1/m टी की पावर 1 माइनस एम के इक्वल है। ओके,
ये वैल्यू सेम रख दिया अब आपने, ओके। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, 1/m ये जो था इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ जाती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की dy/dx की, और ये जो x की वैल्यू है t^m, ये हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू t^m dy/dx एंड डबल डेरिवेटिव इन द इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास क्या है बच्चों, बाहर x है, बट x खुद किसके इक्वल है t^m, तो इसलिए यहाँ पर t^m आया। और x के साथ क्या है बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव, ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव की वैल्यू है। ये सारी की सारी वैल्यू आपने यहाँ पर क्या कर बच्चों, पुट कर दी। और प्लस में क्या था y, तो प्लस में आपने भी क्या कर दिया बच्चों, y। यहाँ तक समझ में आया, ओके। आपने क्या किया, x को t^m माना, ओके। इसका यूज़ करते हुए dt/dx निकाला, और dt/dx का यूज़ करके dy/dx निकाला, और dy/dx का यूज़ करके हमने सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव निकाला। और ये सारी की सारी वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर दिए बच्चों, पुट कर दी, ओके। अब t^m की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिचुएशन आ जाती है 1/m² 1/m² t^2 - m d2y/dx² और जब t^m की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाता है 1 - m/m² t^1 - m dy/dt प्लस y = 0। यहाँ तक समझ में आया, ओके। यहाँ तक आने के बाद आपको आर्टिकल में बताया था कि इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी होती है, इस इक्वेशन की किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, हमेशा m² / t^1 / m से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को, ओके। मल्टीप्लाइंग द अबो इक्वेशन बाय m² t^1 - m से, ओके। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m² से m² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा t^2 - m / t^1 - m, ओके। इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m² तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 - m, और t^1 - m यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर नीचे है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स। और साथ में किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, y के साथ, तो y किसके साथ आ जाएगा बच्चों, m² / t^1 - m आ जाएगा, क्लियर है। जब इन दोनों की पावर एडजस्ट करेंगे t, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बन जाएगा t^1, साथ में क्या बचा 1 - m dy/dt, और साथ में सॉरी ये स्टेप रहने दो, ओके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए इसको, हाँ, तो इसमें क्या बना, एक तो t बच जाता है, एक आपके पास 1 - m dy/dt बच जाता है, और y के साथ क्या बचता है बच्चों, y के साथ आपके पास बचता है एक तो m का स्क्वायर है, और नीचे क्या था t^1 - m था, ओके। जब ये t वाली टर्म ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी पावर बच्चों, m - 1 बन जाएगी, ठीक है ना। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है, ओके। तो जो t^ है वो क्या बन जाएगी आपके पास, m - 1 बन जाएगी, ओके। तो इस टर्म में भी क्या है, यहाँ y के साथ टर्म लिखनी रहती है, तो y के साथ जो टर्म लिखोगे वो क्या आ जाएगी बच्चों, m का स्क्वायर है, और साथ में क्या है t^ है 1 - m है, क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अब देखिए यहाँ तक पुट कर मल्टीप्लाई करने के बाद सिचुएशन अब आपके पास ये है, ओके। अब आपको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो टी की जो पावर बनी हुई है यहाँ पर t^m - 1, इस पावर को 1 बनाना होता है, यहाँ पर जो टी आया हुआ है या ठीक है, तो इस पावर को t^ 1 बनाना है। तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि हम चूज कर लेंगे कि m - 1 m 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब m किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो जब m आपके पास 2 के इक्वल होगा तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन जाएगी, t (d^2y/dx² - dy/dt आ जाएगा, और 2^2 आ जाएगा t dy, यहाँ तक समझ में आ गया ना, ओके। ये आपका टारगेट होता है कि यहाँ पर इसकी पावर 1 बन जाए, तो m को हम क्या चूज करें कि इसकी पावर 1 बन जाए, ओके। अब ये जो इक्वेशन है वो किस टाइप की इक्वेशन है, x d2y/dx² + c dy/dx
प्लस के स्क्वेयर एक्स वाई टाइप की इक्वेशन है। ओके, ये एक्सटेंडेड टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने कंपेयरिंग द कोफिशेंट किए तो सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस वन के इक्वल आ जाएगी। ओके, यहाँ सी किसका कोफिशेंट है, डी वाई बाई डी एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशेंट यहाँ पर क्या है, माइनस वन। तो सी इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ क्या है, के स्क्वेयर एक्स वाई, और ये किसके इक्वल है, टू स्क्वेयर टी वाई। तो k का काम कौन करेगा बच्चों, टू करेगा। ओके, और आप c को किसके इक्वल लेते हैं हमेशा बच्चों, वन माइनस टू अल्फा इज इक्वल टू सी मानते हैं। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, वन आ जाती है। ओके, और इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, आपके पास y इज इक्वल टू, इसमें तो वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इनडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो यहाँ पर क्या आएगा, t की पावर अल्फ़ा होती है, c वन होता है, और j अल्फ़ा के टी होता है। अगर अल्फ़ा आपके पास क्या है बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू तो वन है, इंटीजर है, तो आपके पास यहाँ पर y अल्फ़ा के टी आएगा। क्लियर है आपको, इस टाइप का जो इक्वेशन है, इस टाइप की इक्वेशन के आपको सॉल्यूशन पता है कि अगर अल्फ़ा इंटीजर है तो क्या होता है, अल्फ़ा जब नॉन इंटीजर है तो क्या होगा। तो इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा वाई इज इक्वल टू टी की पावर, वाई इज इक्वल टू टी की पावर अल्फ़ा सी वन जे अल्फ़ा के टी प्लस में सी टू वाई अल्फ़ा के टी। ओके स्टूडेंट्स, और अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है बच्चों, टी का काम, टी आपने क्या माना था इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में आपके पास ये वाला सब्स्टिट्यूशन था कि टी अगर एक्स की पावर वन बाई एम है, ठीक है बच्चों, टी का काम कौन कर रहा है, एक्स की पावर वन बाई एम। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, टी की पावर अल्फ़ा है, यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चों, टी की पावर अल्फ़ा है, बट टी क्या है, टी तो आपके पास बच्चों किसके इक्वल है, टी इज़ इक्वल टू एक्स की पावर वन बाई एम है। ओके, तो एक्स की पावर वन बाई एम, एम का काम किसने किया है, एम का काम तो टू ने किया है, तो एक्स की पावर वन बाई टू आएगा। ठीक है, तो टी किसके इक्वल हुआ आपके पास बच्चों, टी इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर वन बाई टू, तो वन बाई टू, बट अल्फ़ा क्या है, वन है, तो वन बाई टू की पावर वन करेंगे तो वन बाई टू ही रह जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना। तो टी को किस में बदल दिया, एक्स की फॉर्म में बदल दिया, सी वन जे अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी वन, k की जगह पर k की वैल्यू पुट कर दी, t की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दी। t किसके इक्वल था, x की पावर 1 बाई एम, बट m 2 के इक्वल है, तो इसलिए t किसके इक्वल हो जाएगा, x की पावर 1 बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ये c 2 है, y 1 2 की पावर 2, x की पावर 1 बाई 2। क्लियर है, ये इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों y की फॉर्म में क्यों आया आपको पता चल गया ना, क्योंकि y आपके पास क्या है, इसमें अल्फ़ा क्या है, एक इंटीजर है, इंटीजर है तो y की फॉर्म में आएगा, और जब नॉन इंटीग्रल है तो दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन z की फॉर्म में आते हैं, z अल्फ़ा और z माइनस अल्फ़ा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास दे रखा है, d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन माइनस में वन बाय सिक्स पॉइंट टू फाइव एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को आपको क्या करना है बच्चों, सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वेयर के साथ। सबसे पहला स्टेप क्या कर लेते हैं, क्यों ना हम ये सोचें कि ये जो नीचे एक्स स्क्वेयर है ये हट जाए। इसको हटाने के लिए आपको इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर से। जब एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर की वन बाई एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, 1.625 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, तो ये टर्म सेम, ये भी टर्म सेम, ये भी टर्म सेम, और 1.625 है, इसके पॉइंट को ब्रेक करते हैं तो 100 बाई 625, 25 पे कट किया, 25 फोर जा 100, 22 पे 50, 4 बाई 25 आ जाएगा, बाई कटिंग बाई 25 से कट करने पर। ठीक है, तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 का होल स्क्वायर। अब आप बताइए बच्चों, क्या आपको ये बेसल इक्वेशन दिखती है स्टैंडर्ड टाइप की, क्या होती है बेसल इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइप, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, बट यहाँ पर n का काम कौन कर रहा है बच्चों, 2/5, तो क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2/5। ओके, जब इसका ऑर्डर 2/5 है और वो नॉन इंटीग्रल है,
क्या है, नॉन इंटीग्रल, इंटीजर नहीं है तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू सी वन जे के साथ 2/5 x प्लस में सी टू जे के साथ -2/5 x। ओके, आपको पता है बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब इंटीजर, जब n इंटीजर नहीं है तो क्या होता है और जब n इंटीजर है तो क्या होगा। ओके, ये आपको सबसे पहले बेसल इक्वेशन एंड बेसल इक्वेशन और बेसल फंक्शन का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें आपने बेसल इक्वेशन के सॉल्यूशन के केसेस अराइज किए थे कि एन इंटीजर है तो सॉल्यूशन क्या होता है, एन नॉन इंटीग्रल है तो सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप आपका एन ऑर्डर ऑफ बेसल इक्वेशन इज़ नॉट एन इंटीग्रल तो सॉल्यूशन इज ऑफ दैट टाइप। ओके स्टूडेंट्स, बाय।